Hello students, welcome to Chemistry Online with Ali sir. I am Mehboob Ali, DGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya Byawar. And today our topic is electrolysis and electrolytic cells. Students, as you know that the electrolytic cell is a reaction takes place due to the flow of electric charge or using electricity. And the device in which we carry out the electrolysis, that device is called electrolytic cell. What the electrolytic cell does, electrolytic cell actually use the external source of voltage to bring about a chemical reaction, or simply you say it converts the electrical energy into the chemical energy. Okay, so to understand the structure and the working of electrolytic cell, we consider a simple electrolytic cell that is shown here. See, there are two electrodes. Similarly, as we have in the voltaic cell, two electrodes, one is anode, another is cathode. तो जैसा आपका voltaic cell में होता है, वैसे दो electrodes हैं और electrolytic solution यहाँ पर fill कर रखा है, and these electrodes are dipped in the electrolytic solution of the copper sulfate. तो ये जो electrolytic cell है, ये electrolytic cell आप अपने previous classes में study कर चुके हैं. इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, वी हैव टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स. ओके, वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स एंड अनदर वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, विद द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इट इज एनोड एंड विद द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड. बट नेवर remember the anode and cathode with the charges. Anode actually is the electrode where oxidation takes place and cathode is the electrode where reduction takes place. So these are the definitions. Now, अब यहाँ पर क्या-क्या processes होंगी? What happened at the anode? The copper present here, it get oxidized. ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड गोज टू द सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस टू आयन, इट कन्वर्टेड इनटू क्यूब्रिक आयंस. सो व्हाट हैपेंड, द कॉपर गेट डिसॉल्व. ये वाला जो रॉड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां से कॉपर के एटम्स निकल करके आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. So as the electricity passes, this electrode get slowly dissolved in the solution. Okay, यहाँ से copper के atom convert होते जा रहे हैं ions में. Clear? और cathode पर क्या हो रहा है? Cathode के ऊपर यही जो है copper ion जो है, इनका reduction हो रहा है. Copper ion solution में से निकल करके deposit हो रहे हैं, attract हो रहे हैं towards the cathode. And they get two electrons from the cathode and convert it into copper atom. Okay, तो यहाँ पर आकर के आपके इस solution में से जो copper ions हैं, वो in the form of atoms इसके ऊपर जो है धीरे-धीरे slowly deposit होते जाएंगे. So with the time, this electrode slowly, you say, it dissolved in the solution and the thickness of this electrode get increased. ये वाला जो प्रोसेस है, तो यहां पर आपके पास तीन चीजें हो गई, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड और तीसरी चीज जो है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि हमने कॉपर सल्फेट का यहां पर ले रखा है. ये तीन कंपोनेंट होते हैं, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो ये हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग को और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफी. अब हम आते हैं कि इसका यूज क्या है. इसका यूज इंडस्ट्री में काफी होता है और जो मेटल्स होते हैं उनके प्यूरिफाई करने के लिए, और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वहां पर इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. अच्छा, कुछ एस टाइप के जो आपके बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक अल्काली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है कि इनको अगर आपको रिड्यूस करना है, इनके लिए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज इनकी खुद की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है और इनका ई नोट वैल्यू खुद का बहुत ज्यादा नेगेटिव है कि इनको कोई रिड्यूस नहीं कर पाता है.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस और टू गेट दीज मेटल्स इन प्योर स्टेट वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस केस में क्या करते हैं, जो सोडियम और मैग्नीशियम है इनके फ्यूज्ड क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और एल्यूमिनियम के केस में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को जो है वो फ्यूज, फ्यूज का मतलब ये हुआ कि आपने जो है सोडियम क्लोराइड लिया किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, और वहां पर क्या करते हैं इसके अंदर इसके जो मोल्टन स्टेट है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे और उसके बाद जो है आपका सोडियम जो है कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ द फैराडेज बुक, इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस है इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो इसका रिप्रेजेंटेशन और जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे से जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसको बताते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसके दो आपके पास दो लॉज है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या कहेगा, द फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ रिएक्शन और यू से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन अ कैथोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मींस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड और यू से लिमिटेड ओवर द एनोड is directly proportional to the amount of charge or you can say amount of electricity that passed through the electrolytic solution। यानी आप जितनी ज्यादा electricity pass करेंगे उतना ज्यादा ही आपका यहाँ पर ये reaction होगी और उतना ज्यादा amount जो है either यहाँ पर deposit हो जाएगा और यहाँ से जो है आपका cathode पर liberate होगा। Okay, अब charge जो है आपको पता है charge को आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो वी कैन से W इज इक्वल टू जेड आई टी। ओके, जेड क्या है, जेड एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ओके, और आई आपका करंट है, टी टाइम है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये जो है फैराडे के फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब जेड क्या है, जेड जो है उसका फॉर्मूला आपका इस तरीके से होता है, ये सो व्हाट इज एम हियर, एम इज द मोलर मास, एंड एम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to reduce the particular ion, and F is the Faraday constant 96500 mm per mole। Okay, so Z electrochemical equivalence kya hai, electrochemical equivalence is the amount of substance deposited over the cathode or liberated over the anode by passing 1 coulomb charge। यानी 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ जो है वो कंपैरिजन की बात करता है, कंपैरिजन कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर पास करेंगे तो वहां पर जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा वो अमाउंट क्या होगा, उनमें क्या रेशियो रहेगा। सो इन दैट केस फैराडे सेज दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ओवर द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मींस यू कैन से W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 upon E2। Means, अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज
अगर दो अलग अलग दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास किया है तो वहां पर तो दोनों अलग अलग मेटल्स डिपॉजिट होंगे, उनका जो रेशियो है वो उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट होता है आपका मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोलर मास एंड m क्या है, m मोलर मास है, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस अ पर्टिकुलर आयन। सपोज आपको कॉपर को रिड्यूस करना है, कॉपर को रिड्यूस करने के लिए कॉपर आयन न्यूक्लिक आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। सो इन द केस ऑफ दिस वन, इन द केस ऑफ कॉपर n का वैल्यू आपका 2 होगा, और इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम सिंस द एल्यूमिनियम कैरी प्लस 3 चार्ज इसको रिड्यूस करने के लिए हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम द n का वैल्यू जो है वो 3 होगा। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉज। अब इसको थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली हम देख लेते हैं, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, वन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ एंड दिस वन फ्रॉम सेकंड लॉ। ये देखिए यहां एक तीन इक्वेशंस मैंने लिख रखी है, तो द क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट वन मोल मैग्नीशियम, ओके वन मोल मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है या उसको रिड्यूस करने के लिए हमको कितने चार्ज की जरूरत है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको बता रही है हमको कितना मैग्नीशियम चाहिए, कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है या उसको रिड्यूस करना है। वी नीड वन मोल, ओके वन मोल मैग्नीशियम। यहां पर आप ये देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपको मोल्स बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वन मोल मैग्नीशियम आयन, टू मोल इलेक्ट्रॉन्स एंड वन मोल मैग्नीशियम एटम्स, ओके। हमको वन मोल मैग्नीशियम रिड्यूस फॉर्म में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू से द चार्ज इक्वल टू टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1 फैराडे, और यू कैन से 96500 कूलम चार्ज वन मोल इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो हमको टोटल कितना चार्ज चाहिए होगा, ओके तो वन मोल मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 फैराडे चार्ज, ओके। और अगर आपको वन मोल एल्यूमिनियम को रिड्यूस करना है सो द चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 फैराडे, टू रिड्यूस वन मोल क्रोमियम आयंस वी रिक्वायर्ड 3 फैराडे चार्ज, बट इफ वी वांट टू रिड्यूस 2 मोल ऑफ क्रोमियम आयंस, we want to deposit or reduce 2 moles of chromium ion, so chromium ion agar 2 mole deposit karna hai aapko kya karna padega, is puri ki puri reaction ko kya kar dijiye, multiply kar dijiye 2 se, okay 2 over here and 2 over here multiplied by 2 with 3 get 6, okay ye ho gaya। to 2 mole chromium ke liye aapko chahiye hoga 6 faraday charge, clear। Now, 6 फैराडे चार्ज कूलम के अंदर आपको कितना होता है, तो आप क्या करिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 96500 ये आपका चार्ज आ जाएगा। अब 1 मोल एल्युमिनियम आपको रिड्यूस करना है, एल्युमिनियम का आपको पता है मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम आयन या 27 ग्राम एल्युमिनियम को रिड्यूस करने के लिए आपको हाउ कितना इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज आपको जरूरत होगी, तो कितना जरूरत होगा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू से 3 फैराडे चार्ज आपको जरूरत होगी। लेकिन अगर वो इसको बढ़ा के डबल कर देता है 54 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिशन के लिए या इसका रिडक्शन के लिए कितना आपको चार्ज चाहिए, तो ये इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 6 फैराडे चार्ज, ओके। नाउ कम टू प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जो है वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, सेकंड वन द टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
एंड द थर्ड वन इज ओवर पोटेंशियल एंड द फोर्थ वन इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चार फैक्टर है जिनके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स डिपेंड करेंगे किस टाइप के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस में बनेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड और यू से पैसिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रोड उसी मेटल का ले रखा है जिस मेटल के सॉल्ट को हमको इलेक्ट्रोलाइज करना है, लाइक अगर हमको एक्वस कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करना है और आपने जो एनोड कैथोड ले रखे हैं वो भी कॉपर के ही बने हैं, ठीक है, और तो क्या होगा, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इट एक्टिवली टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होंगे उसमें ये कॉपर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना सिल्वर नाइट्रेट का, एंड द इलेक्ट्रोड्स दैट वी हैव टेकन एज एनोड एंड कैथोड आर आल्सो मेटल ऑफ द सिल्वर, सो दिस सिल्वर इलेक्ट्रोड आल्सो पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मींस द इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रोड हो उनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और पैसिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके बने होते हैं इसके प्लेटिनम के या गोल्ड के, गोल्ड या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड अगर हमने ले रखा है तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ओके, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ओके। सो आपका इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, वेदर इट इज एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर भी आपके जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर। देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज, तो ये आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहां उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने टाइप की ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज प्रेजेंट है और कितने टाइप की जो है वो रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करना है और सोडियम क्लोराइड हमने मोल्टन फॉर्म में ले रखा है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में लिक्विड स्टेट में उसको ले रखा है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही स्पीसीज है, एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है और एक आपकी रिड्यूसिंग स्पीसीज है। रिड्यूसिंग स्पीसीज जिसको रिड्यूस होना है वो आपका सिर्फ सोडियम आयन, और जिसको ऑक्सीडाइज होना है तो हमारे पास है क्लोराइड आयन, तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके। कैथोड पर जो है सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा और एनोड पर जो है वो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रोलाइज अगर आपको करना है तो हमारे पास जो है दो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होंगी और दो रिड्यूसिंग स्पीसीज होंगी। ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज क्या है कि हमारे पास जो है एक तो सोडियम होगा और दूसरा जो है हाइड्रोजन आयन ऑफ द वॉटर, यानी वॉटर और सोडियम के बीच में रिड्यूस होने के लिए आपस में कॉम्पिटिशन होगा, हमारे पास दो स्पीसीज है। अब दो स्पीसीज है तो आपका इसमें से रिडक्शन किसका होगा, तो रिडक्शन उस स्पीसीज का होगा जिसका ई नॉट वैल्यू हाई है, ई नॉट वैल्यू जिसका हाई है उसका रिडक्शन होगा, और जो दूसरी स्पीसीज है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो एज इट इज सॉल्यूशन में रहेगी। इस केस में अगर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट और सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वह आपका 2.71। सो यहां पर क्लियरली दिख रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है और ये आपका जीरो है, तो हाइड्रोजन का जो है वो आपका रिडक्शन हो जाएगा और सोडियम जो है आयन के फॉर्म में ही सॉल्यूशन में रहेगा। उसके बाद दो हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है, क्लोराइड आयन द ऑक्साइड आयन ऑफ द वॉटर, तो वॉटर इस क्लोराइड आयन के साथ कंपीट करेगा, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन में और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में। क्लोराइड आयन का जो ऑक्सीडाइज जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.36 वोल्ट और इसका है 1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन इन दोनों स्पीसीज में से उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, यानी
जिसका E नॉट वैल्यू लो है वो वाला स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगा और जिसका इंडोनोम से हाई होता है वो रिड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका E नॉट ऑक्सीजन का E नॉट वैल्यू कम है तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी ऑक्सीडाइज होगी और वाटर का जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन। तीसरी चीज आती है आपका ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल क्या है कि सम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस दो इट इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल, वो फिजिबल तो होती है बट काइनेटिकली दे आर सो स्लो दैट वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू लिबरेट द गैस। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। सेम यही केस इन दोनों के केस में यहां पर ऑक्सीजन और क्लोराइड के केस में होता है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये वाली जो रिएक्शन यहां पर होती है, सो वाटर का जो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन के अंदर वो जो रिएक्शन है काइनेटिकली बहुत ही स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे लिबरेट होती है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा वोल्टेज, एंड दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज मेक दिस रिएक्शन मोर डिफिकल्ट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ई नोट वैल्यू जो 1.23 है वो सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, इसमें हमको वो जो ओवर पोटेंशियल है वो भी एड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ओवर पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है इससे ज्यादा बढ़ जाता है और वो क्लोरीन से भी एक्सीड कर जाएगा, मींस वो 1.36 वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली क्लोराइड आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सॉरी ये जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो आपका ऑक्सीजन से कम हो जाएगा ड्यू टू दैट ओवर पोटेंशियल, और आपकी जो रिएक्शन होगी जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्लोराइड का क्लोरीन में होगा लाइक दिस। ये वाली रिएक्शन प्रिफर करेंगे। फोर्थ आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन। ई नोट वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई नोट वैल्यू के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड करता है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन हमको ये बताती है कि E-नोट का वैल्यू, E-नोट का खुद का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। सो कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा E-नोट वैल्यू को और E-नोट वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो अगर हम H2SO4 सॉल्यूशन का जो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पर जो है ये दो रिएक्शन पॉसिबल होती है। फर्स्ट आपकी है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन, और दूसरी जो रिएक्शन पॉसिबल है एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन इनटू परसल्फेट आयन पर ऑल्सो डाइसल्फेट आयन। ये दो रिएक्शन पॉसिबल है। इस रिएक्शन के लिए जो इनोड सेल का वैल्यू है वो है आपका 1.23 वोल्ट और इसके लिए है 1.96 वोल्ट। सो होता ये है अगर आपका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये वाली रिएक्शन यानी वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होगा, और इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई देन दिस रिएक्शन विल प्रिफर्ड। तो ये हो गया आपका इसके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट। अब यहां पर एक चीज हम ये एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था, तो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर एक्टिव कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो हमने देखा कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या हो रही है। एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कैथोड पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो
कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। बट यही चीज अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हमने इलेक्ट्रोड कॉपर के नहीं लेकर के इफ वी यूज द इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम और गोल्ड, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपके सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर ये जो दो आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये दो आयन प्रेजेंट है कॉपर और सल्फेट, और एक्वस सॉल्यूशन है तो साथ में इसके साथ वॉटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वॉटर के अंदर क्या हो गया आपका, ये दो आयन्स आपके होंगे, ये इसके साथ कंपीट करता है, ये इसके साथ कंपीट करता है। इन दोनों में से क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड के ऊपर जो है कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू कॉपर से कम है, इसकी वजह से इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन के केस में यानी एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो या फिर वाटर का हो, तो इन दोनों में से यहां आप क्लियरली देख रहे हैं कि किसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है, तो ई नॉट वैल्यू जो है वो वाटर का जो वाटर का कम है इसका ज्यादा है, तो जिसका ई नॉट वैल्यू कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आपका वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन में, और ये जो चीज है वो आपकी बन जाएगी। ओके, तो ये दो रिएक्शंस इस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिपेंड ऑन द फोर फैक्टर्स, वो क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओवर पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।